प्रदेश शासन के तमाम निर्देशों के बाद भी सरकारी विभागों में तैनात नौकर साफ सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला महोबा का है, जहां डीएम ने तमाम विभागों में औचक निरीक्षण किया और पाया कि अलग अलग विभागों में 40 से अधिक आला अधिकारी कार्यालयों से नदारद थे, जिस पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताते हुए कार्रवाई की बात कही और एक दिन का वेतन काटने के निर्देश जारी किए। साथ ही उन्होंने कहा कि यहां अक्सर अन्य पशुओं की तरह हो गए, जिन पर अति शीघ्र लगाम लगाने की जरूरत है। मैं सबसे पहले कपराई ब्लॉक गया हूं और इसके बाद डीडीडी प्रांतिकखंड ट्रांसलेशन रीजन सिंचाई प्रखंड और मोदहा, और इस समय मैं यहां पे गांधी विद्यालय बजेरिया प्राइमरी स्कूल में हूं। तो इस प्रकार से मैंने 6-7 सभी जो है कार्य चेक कर लिए हैं, और जहां तक अनुपस्थित का मामला है तो कुछ कार्यों में तो ताले अधिकांश में लटके हैं मेरे 11 बजे के समय तक। अनुपस्थित करीब 90% से 95% काफ़ी कार्यों में रहे हैं। मैं इन सभी कार्यों में जो गैर जिम्मेदार अधिकारी हैं, और जब अधिकारी ही गैर जिम्मेदार हो जाएगा, समय का पालन नहीं करेगा, तो उसके नीचे तो पालन करने कोई सवाल नहीं उठता है। तो इनके विरुद्ध जो है कड़ी कार्रवाई कराऊंगा। इनका वेतन आज का नहीं अधिक हो गया, और इनका स्पष्टीकरण लेते हुए जो समुचित कार्रवाई नियमों के तहत उसका इसमें करीब करीब 40 के आसपास समझो कर सकते हैं। तो यहाँ एक प्रवृत्ति है काम न करने की, अन्ना प्रथा जैसे है। यहाँ पशुओं के साथ में ये जो है विभाग के अधिकारी कर्मचारी अन्ना जैसे हो गए हैं, तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा लगाम लगाने की आवश्यकता है और वर्क कल्चर डेवलप करने की आवश्यकता है। ये जब तक इन पर सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी, यहाँ वर्क कल्चर डेवलप नहीं होगा, इनकी प्रथा टूटेगी नहीं। वहीं डीएम के निरीक्षण के दौरान हैरत की बात यह रही कि सिंचाई प्रखंड में तैनात अधिशासी अभियंता दिग्विजय सिंह ने डीएम को पहचानने से इनकार कर दिया और अपने ही केबिन में डीएम के सामने मोबाइल पर बात करने में व्यस्त नजर आए, जिससे यह साफ है कि सरकारी विभागों में तैनात अफसर सा अपने डीएम को ही नहीं पहचानते तो आम जनता को क्या पहचानेंगे। महोबा से इनसाइड न्यूज के लिए अब्दुल नादिर की रिपोर्ट।